अपने 68वें जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी दफ्तर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान किया है। जी हां, इस मौके पर उन्होंने अपने पुराने सहयोगी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। मेरे संन्यास की अफवाह फैलाई जा रही है, मैं अभी संन्यास लेने वाली नहीं हूँ, मैं अंतिम समय तक पार्टी के लिए काम करती रहूंगी। मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन देकर जनता को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली 4 बार की रही सरकारों के दौरान हमने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए काम किया, हमारे बाद की आई सरकारें हमारी योजनाओं की नकल करके लोगों को भुनाने की कोशिश करती हैं। इसके बावजूद जातिवादी, पूंजीवादी और संकीर्ण सोच की वजह से लोगों को इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा मायावती ने केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने सरकार के दौरान लोगों को सम्मान और स्वाभिमान ऊंचा करने का मौका दिया, वर्तमान समय में ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार धर्म और संस्कृति की आग में राजनीति कर रही हैं, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है।